पिछले 6 महीने से जिन्होंने अपना परिवार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के काम को विस्तार देने के लिए यहाँ पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, इससे हमारे विस्तारक भाई पुष्पराज जी, आपकी मंडल के महामंत्री कौशिक जाना जी, हमारी मातृशक्ति ग्रुप में बहन तनुश्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु और मातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ और 2 बार में भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूँ और मेरे पिताजी भी 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ काम किया है और मेरा परिवार ऐसा परिवार है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से आज तक भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनसंघ, फिर जनता पार्टी और अब भारतीय जनता पार्टी। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ पर केवल एक बात की चर्चा है कि अब की बंगाल में सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मैं चुनाव में लगातार पूरे देश में घूमता रहता हूँ, चाहे दिल्ली जाए, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी गया, महाराष्ट्र के चुनाव में भी गया, गुजरात के चुनाव में भी गया, हरियाणा के चुनाव में भी गया और पूरे देश में पार्टी के काम से मैं घूमता रहता हूँ। पूरे देश में आज इस बात की चर्चा है कि बंगाल में सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो सरकार क्यों बनेगी। वो सरकार इसलिए बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी में आप जैसे कार्यकर्ता और हमारी मातृशक्ति है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं ने 138 कार्यकर्ताओं ने अभी तक शहादत दी और कल हमारे भाई अमित सरकार को कूच बिहार में TMC के लोगों ने फांसी पर लटका दिया, उनके सहित मेरे ख्याल से 139-140 के करीब हमारे ऐसे कार्यकर्ता हो गए होंगे जिन्होंने अपनी शहादत दे के भारतीय जनता पार्टी के काम को यहाँ खड़ा किया है। और आपकी कठिनाई को भी मैं बहुत गहराई से समझ रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 15 दिन से यहीं पर हूँ। जहाँ जाता हूँ कार्यकर्ता ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करने के लिए पुलिस घूम रही है, राज्य की जो पुलिस है वो TMC के कार्यकर्ता बन के काम कर रही है, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो TMC के पोलिंग एजेंट बन के काम कर रहे हैं और यहाँ के जो गुंडे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, 2 मई को जब 10:30 बजे की ये ममता दीदी की पुलिस को भी और ममता दीदी के अधिकारी को भी और ममता दीदी के गुंडों को भी समझ में आ जाएगी कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, अब जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पांव पकड़ो, यह स्थिति बनने वाली है बंगाल की। आज ममता दीदी कहती है कि खेला होवे, मोदी जी कहते हैं कि चाकरी होवे, शिक्षा होवे, स्वास्थ्य होवे, इंफ्रास्ट्रक्चर होवे, युवाओं को रोजगार होवे, यह स्थिति है। वो पहले 34 साल आप लोगों ने लेफ्ट को देखा, वामपंथियों को देखा, 10 साल से आप ममता बनर्जी जी को देख रहे हैं। लेकिन मेरा आप लोगों से एक ही आग्रह है कि चाहे मध्य प्रदेश को देख लीजिए, बिहार को देख लीजिए, बिहार आपसे लगा हुआ क्षेत्र है, लगा हुआ है ना, बिहार की क्या स्थिति थी आज से 10 साल पहले 5 साल पहले। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित NDA की सरकार वहाँ बनी और नीतीश कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने तो बिहार के गुंडे भी ठीक हो गए और योगी जी ने उत्तर प्रदेश के गुंडों को भी ठीक कर दिया। देना कि तुमको जो करना है वो कर लो, लेकिन 2 तारीख के बाद तुम्हारी गुंडागिर्दी चलने वाली नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिनने हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया है, मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ, मैं यहाँ कलकत्ता हमेशा आता हूँ क्योंकि मेरी ससुराल बड़ा बाजार में है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि एक एक गुंडे से हिसाब वसूला जाएगा जिसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया है, एक एक गुंडे की अकल को ठिकाने लगाया जाएगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जैसा भाई अभी पुष्पराज जी ने आपसे कहा कि मोबाइल चालू रखना है, मोबाइल किसी भी स्थिति में हमारा उस दिन बंद नहीं रहे, 10 बजे के पहले हमारे 250 वोट डल जाएं। और पिछली बार जब मैं 2016 में आया था तो मोदी जी ने कहा था कि चुपचाप कमल छाप,
और अब की क्या कहा उन्होंने, जोर से छाप कमल छाप। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी है। हम उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करना चाहते हैं, उस बंगाल को सोनार बंगला बनाना चाहते हैं जो सांस्कृतिक विरासत के लिए, आध्यात्मिक विरासत को लेकर चाहे गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हों, या सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, ये उन सब लोगों की नगरी है। लेकिन आज बंगाल की स्थिति किस स्थिति में है आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले किसी जमाने में बंगाल की पहचान नेताजी सुभाष चंद्र बोस से होती थी, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर से होती थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से होती थी, शहीद खुदीराम बोस से होती थी। लेकिन आज बंगाल की पहचान कोला माफिया, टोलाबाजी, कमीशनबाजी, सिंडिकेट और कोयला माफियाओं के नाम से आज पूरा बंगाल, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है। और ये बदनाम करने का काम किसी ने किया है तो सीपीआई के लोगों ने, सीपीएम के लोगों ने और ममता दीदी के लोगों ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी है। आपको पता नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी का अगला आपका मंडल अध्यक्ष कौन होगा, आपका जिला अध्यक्ष कौन होगा, अगली बार दिलीप घोष जी की जगह कौन अध्यक्ष बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जगह नड्डा जी की जगह कौन बनेंगे। लेकिन कांग्रेस में आपको मालूम है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, या तो मम्मी सोनिया गांधी, या बेटा राहुल गांधी, या बहन प्रियंका गांधी। ये भारतीय जनता पार्टी है जो पोस्टर चिपकाने वाले कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। कभी शीतल कपाट ने सोचा नहीं होगा कि उसको एमएलए का टिकट मिलेगा, कलिता मांझी ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाती हूँ मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा, मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगी। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करती है। और यहाँ झंडे लगाने वाला कार्यकर्ता और पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय स्तर के पद को प्राप्त करता है, ये केवल किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। हम क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, हम कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं, कार्यकर्ता हमारा देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, हमारा कार्यकर्ता देव तुल्य कार्यकर्ता है। और हमारे कार्यकर्ता को कुछ नहीं चाहिए, केवल प्यार से कंधे में हाथ रख के बोल दो कि पुष्पराज भाई क्या हाल चाल है, परिवार में सब ठीक है, उत्ते में हमारा कार्यकर्ता कहता है कि भालो से सब बढ़िया हो गया। ये हमारे कार्यकर्ता की पहचान है। और आज बंगाल की स्थिति कोई हमारे आने से या मोदी जी की प्रचार करने से या कैलाश जी के आने से या शिवप्रकाश जी के आने से या हमारे नेता जो बाहर से आ रहे हैं उनके कारण नहीं है। ये बंगाल की जो स्थिति बदली है आज, वो आप जैसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और आपकी पसीने की बूंदों से ये स्थिति बदली है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीन सीटों वाली पार्टी से सारी पार्टियां घबरा रही है कि ये सरकार नहीं बना ले। आज ये स्थिति पैदा करने का काम किसी ने किया है तो आप जैसे कार्यकर्ता ने किया है, हमारी बहनों ने किया है। आपने खून पसीना एक करके अपने परिवार को जान को दांव पे लगा के आज भारतीय जनता पार्टी का आपने काम खड़ा किया। वास्तव में मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो काम बंगाल में आपने पिछले 6 साल में खड़ा किया है, ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी में आप जैसे कार्यकर्ता ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मित्रों, 2 तारीख को जिस दीवार के जो दीवार सामने रखी है, इस दीवार पे चाक से लिख दो मेरा नाम, नीचे लिख देना कि 2 तारीख को 2 मई दीदी गई। दीवार पे लिखा हुआ स्पष्ट दिख रहा मुझे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 200 से ऊपर सीटें लाकर अपनी सरकार बनाएगी। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सोनार बंगला का निर्माण करेंगे, उस सोनार बंगला का बंगाल का निर्माण करेंगे जिसकी कल्पना गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जिसकी कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, जिसकी कल्पना खुदीराम बोस ने की थी, जिनकी कल्पना आचार्य गुरुवर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने की थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी। और वो बंगाल आप लोगों को चलाना है, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के लोगों को चलाना है। ममता दीदी कहती कि बाहर के लोग आके राज करेंगे, दीदी बाहर के लोग तो आपने राज कराया है लोगों को। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास ये पूरी लाइन बैठी है, इधर की पूरी लाइन बैठी है, इसमें से भी हमारा कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, इसमें से भी हमारा कोई मंत्री बन सकता है। ये बंगाल का क्यों है और ये बंगाल
पार्टी की रीति नीति है कि यहाँ पर शीतल कपाट जैसे लोगों को टिकट मिलता है, ललिता मांझी जैसे लोगों को टिकट मिलता है जो गरीब परिवार से आते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 तारीख को यदि हमारी सरकार बन गई तो किसी बात की चिंता मत करना, एक एक कार्यकर्ता का उपयोग हम सरकार चलाने में आप लोगों का करेंगे। कोई कार्यकर्ता खाली नहीं बैठेगा, कोई कार्यकर्ता बिना पद के नहीं रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ। 2 तारीख को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो चाहे यहाँ का पुलिस वाला हो, चाहे यहाँ का डॉक्टर हो, चाहे यहाँ का मास्टर हो, जैसा आप चाहोगे वो वैसा वैसा नाचेगा। आपकी उंगलियों पे ये सरकार चलेगी। इस सरकार को चलाने में किसी की भूमिका होगी तो हमारी मातृशक्ति की होगी, हमारे कार्यकर्ता भाइयों की होगी, हमारे नेताओं की होगी। इसलिए मैं आपसे विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ और आपसे एक ही आग्रह करने के लिए आया हूँ कि केवल 5 दिन चुनाव प्रचार में शेष है। आज 25 तारीख की शाम को 5:30 बज गई है, 30 तारीख को 5 बजे यहाँ पर प्रचार बंद हो जाएगा, 1 तारीख को मतदान शुरू हो जाएगा और 2 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए जब 1 तारीख को अपने यहाँ से मतदान से फ्री हो जाओ तो अपने जितने दोस्त हों, अपने रिश्तेदार हों, जितनी हमारी बहनें बेटी हों, अपनी ननंद हो, अपनी देवरानी हो, अपनी जेठानी हो, उन सबको फ़ोन करना, अपने परिवार के लोगों को फ़ोन करना, पूरे कलकत्ता में जहाँ तक आपके लोग हों, पहचान के हों, मित्र हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, उनको कहना कि अब की बार सोनार बंगला का निर्माण करना है, मोदी जी के कारण मोदी जी को वोट करना है, मोदी जी को देख कर वोट करना है कि जिस प्रकार 6 साल में मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, आज चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, हर कोई भारत से घबराता है। चीन की बॉर्डर पर बैठा हुआ सैनिक, आपका एक वोट जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर रहे सैनिक को मजबूती प्रदान करेगा, चाइना की बॉर्डर पर बैठे हुए हमारे सैनिक को मजबूती प्रदान करेगा, मोदी जी के हाथ मजबूत करेगा। और जब ये डबल इंजन की सरकार, एक बात बताओ, साइकिल के पहिए 2 अलग होते हैं ना, एक पहिया पंचर हो तो साइकिल चल सकती है क्या? दिल्ली में भले ही हमारी सरकार हो, यदि बंगाल में हमारी सरकार नहीं हुई तो क्या यहाँ विकास हो सकता है क्या? युवाओं को रोजगार मिल सकता है क्या? बच्चों को शिक्षा मिल सकती है क्या? अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो सकती है क्या? आयुष्मान कार्ड बन सकता है क्या? उज्ज्वला योजना का फायदा मिल सकता है क्या? प्रधानमंत्री किसान निधि का फायदा मिल सकता है क्या? इसलिए साइकिल के दोनों पहियों में हवा भरी होना चाहिए और दोनों पहिए ठीक होना चाहिए, तब तो साइकिल चलेगी ना। तो इसलिए इस डबल इंजन की सरकार को बनाना है, मोदी जी के विकास के मॉडल को अपनाना है। और ये आपका एक वोट आपके विधायक शीतल कपाट को तो जिताएगा ही जिताएगा, लेकिन दूसरे आपके क्षेत्र के विधायक होंगे श्री नरेंद्र मोदी, वो वहाँ से दिल्ली से पैसा भेजेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, वो आपको मिलेगा, वो वहाँ से आयुष्मान कार्ड भेजेंगे, आपके घर में 5 लाख तक का इलाज होगा, उज्ज्वला योजना की गैस की टंकी भेजेंगे तो हमारी बहनों को चूल्हा पकाने में, खाना पकाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनकी आंखों में धुआं नहीं लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका एक वोट शीतल कपाट को मिलेगा, लेकिन उससे 2 काम होंगे कि वोट एक होगा लेकिन विधायक 2 होंगे, एक विधायक होंगे शीतल कपाट और दूसरे विधायक होंगे नरेंद्र मोदी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूत करने के लिए भाई शीतल कपाट को यदि आप वोट दोगे तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएगा, वो वोट मोदी जी को मजबूत करेगा, वो वोट बॉर्डर पे खड़े हुए सैनिक के हाथ मजबूत करेगा और इस सोनार बंगला का निर्माण करने में हम सब लोगों को योगदान प्रदान करेगा। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, उज्जैन से, सबने नाम सुना बाबा महाकाल का। ये चुनाव के बाद 2 तारीख को मतदान हो जाए उसके बाद मैं इंदौर आना, मैं आप सब लोगों को आमंत्रण देने आया हूँ कि आप सब लोग आना, मैं आपको महाकाल के दर्शन लेके कराने लेके चलूँगा। और मेरे लायक कभी भी कुछ काम हो तो मेरा नंबर अभी अपने पुष्पराज जी आपको दे देंगे, मेरे लायक कुछ भी काम हो तो बिल्कुल बेझिझक निसंकोच मुझे फ़ोन लगाना, मेरे लायक बताना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मित्रों कोई कसर बाकी मत रखना, यही आग्रह और निवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश से मैं आपके बीच में आया हूँ। आप सब ने बुलाया, स्वागत किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी और शीतल कपाट जी को वोट देने के लिए तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधिए और बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय सियाराम,
থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে।